से सुनेंगे अब मैं उल्टा करना सिखाऊंगा अब मैं आपको सिखाऊंगा फाइंडिंग एस एन गिवेन ये दो चीजें हमको बहुत ज्यादा काम देंगी बहुत ज्यादा एस एन से टीएन निकालना और टीएन से एस एन निकालना इसके अंदर ध्यान देंगे कि SN किसके बराबर होता है टी वन प्लस टी टू प्लस टीएन यानी एस एन हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू वन एन टी आर समेशन ऑपरेशन वी फाइंड वी फाइंड एस एन फ्रॉम टी एन यूजिंग समेशन ऑपरेशन ये लीजिए आइए यहां पर समेशन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज लिख दू ध्यान रखें समेशन ऑफ ए आर प्लस माइनस बी आर इस समेशन ए आर प्लस माइनस समेशन बी आर अगर दो चीजें जुड़ या घट रही हैं तो आप दोनों को अलग अलग जोड़ घटा सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी समेशन ऑफ के टाइम्स ए आर के समेशन ए आर अगर कोई कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं तीसरी प्रॉपर्टी समेशन आर इक्वल टू वन टू एन के अगर कोई कांस्टेंट है के तो ये के प्लस के प्लस के प्लस के, के कितनी बार आएगा एन टाइम्स आएगा तो इसकी वैल्यू एन के बन जाएगी क्या बन जाएगी एन के आर की जगह एन भी रख सकते फर्क नहीं पड़ता तो। चौथी विशेष प्रॉपर्टी समेशन तु तु एन इक्वल टू वन टू एन ऑफ एन या आर जो भी आप वेरिएबल रखना चाहें आर पसंद है आर रख लीजिए तो इसका मतलब हो गया वन प्लस टू प्लस थ्री अब टू एन शुरू के एन नेचुरल नंबर का सम यानी ये चीज कोई दिख जाए तो एन इन टू एन प्लस वन बाई टू ये फॉर्मूले अगर ध्यान होंगे वन से लेकर एन आर स्क्वायर यानी वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर तो ये चीज इसका फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स अगर समेशन की प्रॉपर्टी और फॉर्मूले ध्यान होंगे तो काम बन जाएगा छठा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वन से एन इन एन टू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और एक आखिरी सातवां फॉर्मूला यहां लिख देता हूं समेशन आर इक्वल टू वन टू एन के की पावर आर यानी के की पावर वन के की पावर टू करते करते के की पावर एन इसका आ जाएगा के इन टू के की पावर एन माइनस वन के माइनस ये है समेशन क्यों क्योंकि अगर जनरल टर्म पर समेशन ऑपरेशन लगा दें तो सम ऑफ टर्म मिल जाएगा अब समेशन ऑपरेशन लगाने के लिए ये समेशन की प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए मात्र सात प्रॉपर्टी हैं एक दो तो तीन चार पांच छः सात बिल्कुल याद रखेंगे तो बात बन जाएगी एडिशन सब्सट्रेक्शन में अलग अलग कर सकते हैं कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं के कांस्टेंट का समेशन एन के हो जाएगा शुरू के आर का समेशन तो स्क्वायर का समेशन आर क्यूब का समेशन और के की पावर आर का समेशन तो हम समेशन का इस्तेमाल करके जनरल टर्म से सम ऑफ समावेंटर निकाल सकते हैं कोई इसमें खास बात नहीं है ठीक है कॉपी करे तो क्वेश्चन करके बताऊ अब देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कि अगर जनरल टर्म गिवन हो तो सम ऑफ टर्म लिख सकते हैं देखो कैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, फाइंड सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज वन इंटू टू ऐसे करते करते एन इंटू एन प्लस वन इस सीरीज का सम निकालना है सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है सम ऑफ एन टर्म यह हो जाएगा हाँ भाई यही है इस चीज को आप लिख सकते हो आर इक्वल टू वन टू एन आर इन टू आर प्लस वन देखिए कैसे आर को वन रखें पहला टर्म मिल रहा है आर को टू रखें दूसरा टर्म मिल रहा है आर को थ्री रखें तीसरा टर्म मिल रहा है ओ हो, हो। समेशन की प्रॉपर्टी का भयानक इस्तेमाल होने जा रहा है तो आ जाएगा आर इक्वल टू वन टू एन आर स्क्वेयर समेन आर इक्वल टू वन टू एन आर आर सम का फॉर्मूला पता है आर के सम का फॉर्मूला पता है, है. लीजिए कितनी खुशी महसूस हो रही है ये आ गया निकल खत्म बहुत इजी है समेशन ऑपरेशन लगाओ संपाओ बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फाइंड सम ऑफ अ सीरीज हूज जनरल टर्म इज टी एन एन प्लस टू की पावर एक सीरीज है जिसका जनरल टर्म ऐसा भयानक है जनरल टर्म ऐसा खतरनाक है एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू की पावर है आइए इस सीरीज का जनरल टर्म अगर गिवन है तो हम निकालते हैं सीरीज का सम ऑफ एन टर्म तो हम बोलेंगे एस एन इज इक्वल टू समेशन टी एन आर की जगह एन समझ लीजिए एक ही बात है तो ये बन जाएगा समेशन एन स्क्वायर प्लस थ्री एन टू की पावर एन यानी समेशन एन स्क्वायर टू समेशन एन समेशन टू की पावर एन समेशन एन स्क्वायर की वैल्यू एन इन एन प्लस वन इन टू एन प्लस वन बाई सिक्स टू सम्यू टू इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस टू की पावर एन समय की वैल्यू टू इंटू टू की पावर एन माइनस वन टू माइनस वन मान लीजिए पावर आर होता तो टी एन तो दे रखा है तो एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू की पावर एन है अगर किसी भी सीरीज का आप जनरल टर्म निकाल सकते हैं तो आप उसका टर्म निकाल सकते हैं कॉपी कर लीजिए यहां दोनों जगह गलती जो टू लिखा हुआ है उसको थ्री कर लें थ्री एन तो थ्री समेशन एन थ्री एक क्वेश्चन और अपन करके देखते हैं वैसे एफ है टी एन इज एन स्क्वायर प्लस थ्री की पावर एन प्लस फोर फाइंड एस एन जनरल टर्म दे रखा है सम ऑफ टर्म निकालना है बहुत सही बहुत बढ़िया तो एन को हम समेशन टी एन कह देंगे जो कि समेशन एन थ्री की पावर एन प्लस फोर आ जाएगा समेशन 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 एन एन प्लस प्लस थ्री की पावर फोर फॉर्मूला लगा दीजिए समेशन एन स्क्वायर एन इन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स थ्री की पावर एन का समेशन थ्री की पावर एन माइनस वन थ्री माइनस वन समेन फोर फोर एन तो मैंने आपको दो गजब की बातें सिखा दी एस एन से टीएन निकालना और टीएन से एस एन निकालना तो एस एन से टीएन निकाल सकते हैं और टीएन से एस एन निकाल सकते हैं अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे